और इसराइल फिलिस्तीन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के आतंकियों ने दक्षिण इसराइल में कल एक संगीत समारोह के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को मार डाला था, जिसमें ज्यादातर विदेशी नागरिक थे। जानकारी मिल पा रही है कि मरने वालों में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और नॉर्वे के नागरिक शामिल है। तो आपको बता दें कि लगातार हमास की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, तमाम नागरिकों को वहां पर बंधक बनाया जा रहा है। कुछ अमेरिकी नागरिकों के लापता होने की भी खबर सामने आ रही है। एक संगीत समारोह था यहां पर, कुछ हमला किया गया है हमास की तरफ से और कुछ लोग जो है यहां पर अभी फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अब इसराइल की तरफ से भी मजबूती से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा था कि इसराइल किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, अब इसराइल जो है अपने मजबूत हथियारों के साथ हमास पर अटैक कर रहा है। जिस गाजा पट्टी से हमास की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, वहीं पर अब इसराइल जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि हमास अब बैकफुट पर आ जाए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन अब जो है इसराइल कितनी मजबूती के साथ रिटेलिएट करेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब जानकारी मिल पा रही है कि कई ऐसे नागरिक हैं जो लापता हैं। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि एक संगीत समारोह था जहां पर 250 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया है, ज्यादातर विदेशी नागरिक थे इसमें शामिल। ये भी जानकारी मिल पा रही है कुछ अमेरिकी नागरिक हैं जो लापता हो गए हैं, कुछ कनाडा, जर्मनी और नॉर्वे के नागरिक भी इस समारोह में शामिल थे। तो हमास ने इसराइल पर जिस तरह का क्रूर हमला किया है, पूरे इसराइल में लोगों का खून खौल उठा है। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी फुल प्रूफ रणनीति बना रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया और गाजा में रहने वाले 20 लाख लोगों को कहीं और चले जाने की चेतावनी दी है, क्योंकि इसराइल अब हमास के आखिरी आतंकी को भी खत्म करने का प्लान बना चुका है। נכה בהמת חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ कर दिया है पूर्ण युद्ध का ऐलान। हमला होने के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दो बार बयान जारी किए हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू का पहला बयान शनिवार को हमले के फौरन बाद आया, जब उन्होंने कहा कि इसराइल अब युद्ध में है और इसराइल की आर्मी ने ऑपरेशन आयरन सॉर्ड शुरू कर दिया है। तब बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हमास के आतंकियों से बदला लिया जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला बयान बेन्यामिन नेतन्याहू ने बाद में दिया है। शनिवार को शाम के वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और हमास के खिलाफ संपूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया। מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נקה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को राष्ट्र के नाम एक नया संबोधन करने की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ी क्योंकि बेन्यामिन नेतन्याहू अब इसराइल की जनता को एक पूर्ण युद्ध के लिए तैयार करना चाहते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान मेज को ठोंकते हुए बहुत गुस्से में नजर आए और उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब इसराइल मानवाधिकार हनन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि हमला उस पर हुआ है। इसराइल की सेना, इसराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता की तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया है कि अब एक बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। और इस युद्ध में अगर कोई गाजा पट्टी के अंदर मरता है तो उसकी भी जिम्मेदारी हमास की है, अगर कोई इसराइल के अंदर मरता है तो उसकी भी जिम्मेदारी हमास की है, क्योंकि ये हमास है जिसने इस क्रूर युद्ध की शुरुआत की है। युद्ध के दौरान ही तेल अवीव के खुले अंधेरे आसमान के नीचे इसराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने
एक्स यानी ट्विटर पर एक 11 मिनट का बयान जारी किया, जिसमें इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की पूरी डिटेल दी है। इसराइल की तरफ से कहा गया है कि दक्षिणी इसराइल के इलाकों में हर घर के अंदर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि कहीं कोई आतंकवादी छिपा तो नहीं हुआ है। हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इसराइल के कई घरों पर कब्जा करके लोगों को कैद कर लिया है। डोर टू डोर, हाउस टू हाउस, इन सर्च ऑफ इजरायली सिविलियंस एक्सिक्यूटेड इन कोल्ड ब्लड Israeli civilians in their homes, and then continued to drag into Gaza Israeli civilians and military personnel. And in terms of the civilians, I'm talking women, children, elderly, disabled, that were dragged into Gaza by the terrorists from the Gaza Strip. As we're speaking, the situation in Israel is still not fully under control. There's still fighting ongoing in southern Israel. There are still Hamas terrorists inside Israel, and Israeli special forces and IDF troops are fighting, going house to house and making sure that each and every community is clear. और यही बात इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कही है कि इसराइल का मुकाबला बेहद क्रूर हमास से होने जा रहा है, जिसने बिस्तर पर महिलाओं और बच्चों को मारा है और लड़कियों को कैद किया है। ये कहते हुए बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास को बहुत तगड़ी चेतावनी दी है। במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות. רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि अब कई हफ्तों तक इसराइल के लोगों को यह युद्ध झेलना पड़ सकता है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने नागरिकों को यह समझाने की कोशिश की है कि अब कई हफ्तों तक तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ये पूर्ण युद्ध होगा तो हमला सिर्फ गाजा पर नहीं होगा, बल्कि यह हमला इसराइल को भी झेलना पड़ेगा, और ये शुरू भी हो चुका है क्योंकि इसराइल के अस्पताल पर हमला हुआ है। In the hospital, we are just now trying to evaluate the damages that are being caused to the hospital. This has been a very, very difficult day and an even more difficult night. दरअसल इसराइल ने भी फिलिस्तीन के अंदर उन अस्पतालों पर हमला किया था, जहां उसे ये जानकारी मिली कि झड़प में घायल हुए हमास के आतंकियों को भर्ती किया गया है। इसराइल के अखबारों ने दावा किया था कि हमास के उन घायल लड़ाकों को भी मार दिया गया है जो झड़प में घायल होने के बाद इलाज करवा रहे थे। इसराइल के इसी हमले के बाद में फिलिस्तीन और हमास के आतंकियों ने भी इसराइल के अस्पताल पर हमला किया, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी बात हुई है और उनके पास अब अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। אני מודה לנשיא ביידן על הדברים הברורים והחזקים. אני מודה לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים רבים אחרים על תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל. אני פונה עכשיו לכל אזרחי ישראל. אנחנו ניצבים יחד במערכה. המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד. בעזרת השם, בעזרת הכוחות המשותפים של כולנו, בעזרת אמונתנו בנצח ישראל, אנחנו ננצח. इसके अलावा इसराइल ने एकजुटता दिखाते हुए एक आपातकालीन एकता सरकार बनाई है। इस सरकार में इसराइल ने विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया है। इसराइल के सबसे बड़े विपक्षी नेता लैपिड भी इस सरकार में शामिल हो गए हैं।
इसराइल के विपक्षी नेता लैपिड ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है कि यह युद्ध अब कई मोर्चों पर छिड़ सकता है। इस पर बेन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से ये कहा गया है कि दुश्मन पर हमला इतना बड़ा और जोरदार होगा कि दूसरा दुश्मन इसराइल के खिलाफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकेगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इसराइल गाजा पर दोबारा अधिकार करेगा, क्योंकि 2005 तक गाजा पर भी इसराइल का ही कंट्रोल था। अगर आप इस मैप को देखें तो इसमें आपको साफ नजर आएगा कि इसराइल के समुद्री किनारे पर एक बहुत छोटा सा इलाका नजर आता है जिसको गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप कहा जाता है। यहीं पर हमास की सरकार भी है और यहीं पर 2005 तक इसराइल का ही कंट्रोल था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसराइल दोबारा यहाँ पर अपना कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि अब गाजा के इलाके में रह रहे लोग फिलहाल चले जाएं, क्योंकि युद्ध बहुत भीषण होने जा रहा है। אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב יישוב, בית בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ. כולנו מתפללים גם לשלום הפצועים ולכל מי שמוחזק כבני ערובה. אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בסערה אחת מראשם. אני פונה מכאן לתושבי הדרום. अगर देखा जाए तो बेन्यामिन नेतन्याहू ने ऐसा बयान देकर गाजा पट्टी के अंदर रह रहे 20 लाख लोगों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर इसराइल गाजा पट्टी में भारी हथियारों के साथ हमला करता है तो गाजा पट्टी के लोगों को या तो वहां से भागना पड़ेगा या पलायन करना पड़ेगा या फिर उनको लड़ना पड़ेगा और इसराइल का हमला झेलना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि युद्ध बहुत भीषण होने जा रहा है और उसके कारण भी है। Community has done nothing to stop an occupation that has become the longest in modern history. 56 years of occupation, 75 years of ethnic cleansing, and the world community has been silent about this. I see on your screen that Britain is saying that Israel has the right to defend itself. Well, fine. What about the right of Palestinians to defend themselves? We are the ones who are under occupation. We are the ones who are under siege. We are the ones who are this. कुल मिलाकर अब दुनिया को आगे आकर इस युद्ध को रोकना होगा, क्योंकि इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। अगर संयुक्त राष्ट्र ने इस पर आगे आकर फौरन शांति प्रक्रिया शुरू नहीं की तो ना सिर्फ लाखों लोगों का पलायन होगा बल्कि हजारों लोग मारे भी जाएंगे।